सो हाय देयर, आई एम मनन जैन और मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आई हैव सिक्योर 99% में फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ये वीडियो बनाने का पर्पस तो आप नीचे टाइटल देख चुके होंगे। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे स्टूडेंट रिएक्शन हमें एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। आप मान लीजिए कि ऐसे एक स्टूडेंट है, उसके 70% प्रीवियसली आ चुके हैं और उसका टारगेट मे बी 80% लाने का है। सो मे बी उसके रिस्पेक्ट में पेपर ईजी हो सकता है, बट अगर कोई बच्चा जिसके 95% है वो इम्प्रूव करके 98-99% लग जाना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रह सकता है। तो आप किसी किन कुछ कुछ इंडिविजुअल्स के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते कि पेपर का लेवल कैसा है। और यहाँ पे स्टूडेंट रिएक्शन जनरली यही करता है, वो कुछ चंद स्टूडेंट्स के बेसिस पे एक जनरलाइज व्यू क्रिएट कर देता है जो कि मेरे को नहीं लगता सही है। अगर स्टूडेंट रिएक्शन बनाना है तो पहले आपको बेसिकली उस स्टूडेंट के बारे में जानना ज़रूरी है कि उसके पहले कितनी परसेंटेज आ चुकी है, उसका एम कितना है और जो एम उसका है वो उसको अचीव करने के लिए पेपर इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। उस बेसिस पे मेरे ख्याल से एक राइट आइडिया रहेगा, क्योंकि जिस तरह के स्टूडेंट रिएक्शन बन रहे हैं आई डोंट थिंक दैट हैव एनी काइंड ऑफ मीनिंग फॉर मी। सो आप अपनी व्यूज़ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं हैरान हूँ कि यार कट ऑफ कैसे रिलीज हो रहे हैं, मतलब कुछ कुछ लोग तो कट ऑफ बता रहे हैं अभी कि 99% के लिए इतना कट ऑफ इतना, हाउ कम, मतलब इतना इस डेटा के बेसिस पे मेरे ख्याल से जज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ बोल रहे हैं कि इसमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन, जबकि अभी तक सारे क्वेश्चन डिस्प्ले में आए ही नहीं हैं। किसी के से 15 क्वेश्चन मैथ्स में से 30 में से 15-20 इतने आए हैं सामने और बाकी क्वेश्चन सामने नहीं आए, तो इसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि पेपर क्या मॉडरेट है, इजी है, डिफिकल्ट है। तो दैट इज़ नॉट अ राइट आइडिया। सो अब अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताना ना भूलेगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।